28 फरवरी को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, जिसमें 30 खिलाड़ी जो हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो अक्टूबर में लागू किया गया था, जिसमें 30 खिलाड़ी शामिल हैं। अब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अगर क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो दोनों की नेशनल क्रिकेट में अच्छी खासी मजबूत स्थिति है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ भारतीय या पाकिस्तानियों के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस मैच को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखा जाता है, कौन जीतता है कौन हारता है इसके ऊपर तमाम हूटिंग्स होती है, और काफी समय पहले से ही दर्शकों की जो टिकट लेने की और मैच शुरू होने के कई दिनों पहले ही टिकट खिड़की पर भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ फर्क है वो आपको आज बताते हैं। पाकिस्तान में नई डील के मुताबिक 30 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड ए में खिलाड़ी हर महीने 4.5 मिलियन PKR यानी कि लगभग 13.18 लाख भारतीय रुपए कमाएंगे। ग्रेड बी के खिलाड़ियों को PKR 3 मिलियन यानी कि 8.79 लाख लगभग मिलेगा। ग्रेड सी और डी में आने वाले को प्रतिमाह 0.75 से 1.5 मिलियन PKR यानी कि 2.19 से लेकर 4.39 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर बात करें भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तो ये इस तरह से होगा। ग्रेड ए प्लस में खिलाड़ी हर साल 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं यानी कि हर महीने 58.3 लाख रुपए। ग्रेड ए के खिलाड़ियों को हर साल 5 करोड़ मिलते हैं। ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 3 करोड़। ग्रेड सी में आने वालों को हर महीने 1 करोड़ दिया जाता है यानी कि हर महीने लगभग 8.3 लाख रुपए। यानी कि भारत का सबसे लोअर ग्रेड का खिलाड़ी भी पाकिस्तान के ग्रेड बी के खिलाड़ी के बराबर है।